आज मैं बहुत सैड हूँ। वो मंदिरा बेदी जी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए, बहुत सैड हूँ। आर्मी आर्मी का लुक पूरा आज मैम मैम इधर मैम आ जाओ इधर आ जाओ छोटू अरे उधर से इधर आ जाओ इधर चलो ना अपने अड्डे पे। अरे मेरा कितना मिलियन हो गया? अरे और पीछे अरे 8 मिलियन नहीं हुआ अभी तक। होगा थोड़ा खर्चा कर दो ना 100 मिलियन हो जाएगा। एक मिनट कॉल करता हूं। उसका फायदा क्या? खर्चा करके फायदा क्या? तुम लोग जानते हो मेरा मम्मी मेरी बीमार है हॉस्पिटल में, सिस्टर सबका मैं अकेली देखती हूं ना। छोटू लोग छोटू के लोग कल मुझे हंस हंस के मेरे मैं मम्मी को दिखाया, मम्मी सैड थी। मैंने दिखाया कि छोटू मुझे ये छोटू तुझे कहाँ बाइक में भगा के लेके जा रहा है, तो मम्मी हंस पड़ी। फिर हाँ ये सही, मैं आर्मी लग रही हूँ क्या? हाँ बिल्कुल आर्मी भर्ती देशभक्त आर्मी का। आज मैं बहुत सैड हूँ। वो मंदिरा बेदी जी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए, बहुत सैड हूँ। शी इज सो एक्टिव पर्सन एंड हमेशा वॉक करती है, एंजॉय करती है। मैंने हमेशा उनके इंस्टाग्राम के उनके पिक्स देखे हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज का जो पिक्स है वो मैं देखूँगी। और मैंने इंस्टा पे पोस्ट भी किया है उनके हस्बैंड के लिए री वेरी सैड उनकी आँख, मतलब शी इज जस्ट क्राइंग। लाइफ में ऐसा ही है कि आज हम है कल नहीं है, इसलिए जितना हो सके लोगों का भला करना चाहिए, लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए। मैं भी आज बहुत एक अच्छा नहीं काम करके आ रही हूँ, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि गॉड को नहीं पसंद है बोलना। सलमान जी, सोनू सूद ये कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, बोलना थोड़ी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। नेकी करो दरिया में डाल, नहीं नेकी कर और स्वर्ग में जा। ये बात सही है, दरिया में डाल और स्वर्ग में जा। अच्छा दरिया में डाल स्वर्ग में जा, एक बात है क्या? बड़े लोग बोलते हैं कहा हुआ, सबकी मदद करनी चाहिए। अगर अपने पास दो कुर्ते हैं तो एक कुर्ता किसी को दे दो, अगर अपने पास दो रोटी है तो एक रोटी किसी को दे दो। जो नीडी लोग हैं, अगर हम हमारे पास थाली भर के खाना है तो आधा खाना उनको दे दो। अच्छा आपके पास दो फोन है क्या? पांडे ने बता दी, ये नेक बंदे। मैम अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हो, तू कहाँ है? मेरे पास एक ही फोन है। नहीं मैडम ने बोला जूते दो है, दो है तो एक दो जूते, दो जूते देख लेने। चलो पासिंग शॉट दे रहे क्या? यस हाँ जी। आज सच में आर्मी बॉर्डर पे जाने वाले ऐसे लग रहे हैं। हाँ भेज दो मुझे बॉर्डर पे भेज दो, जो भी देश हमारे देश के खिलाफ जाए मेरे को बॉडी पे बॉम्ब बॉम्ब डाल के छोड़ दो, ऊपर से ब्लास्ट करवा दो। रॉकेट मंगाओ जल्दी कोई तो, रॉकेट को पीछे पकड़ के मैं उड़ जाऊंगी। राखी जी, राखी जी इधर वुहान में भेज दो मेरे को, बॉम्ब लगा के उड़ा दूंगी मैं। पूरा वुहान उड़ा देना चाहती हूँ, मेरे शरीर में पूरा बॉम्ब लगा दो, पूरा बुहान उड़ा दो। ऑलरेडी आप बॉम्ब हो हाँ? यार ये क्या यार, ये छोटू है, छोटू यार क्या? तो बुहान ने तो हम सबको खत्म कर दिया ना पूरा, लेकिन हम लोग फिर भी फेल नहीं हुए, वी आर पास। इसीलिए क्योंकि हम लड़ते हैं, हम मुंबई हिंदुस्तान हमेशा हर चीज़ से लड़ता है। इस बार तो वर्ल्ड वॉर हुआ है तो पूरा वर्ल्ड लड़ा है कोरोना से। हो गया क्या? फोटो इधर इधर मेरे बाल खोलना, मैं भूल गई वो बाल धोए नहीं है, बड़ा मैं इधर इधर राखी जी, राखी जी सेंटर मैंने आज बाल नहीं वॉश किए हैं। राखी जी, राखी जी इधर इधर, ये चमगादड़ कौन है? राखी जी सामने आजा आजा, राखी जी सेंटर, अरे राखी जी इधर, सेकंड सेकंड मैम थर्ड, मैडम मैम सेंटर। अभी तुम लोग सब इधर ही रहते हो क्या? आप जी आपकी नहीं रुकना, चलो ये कॉल आया कट हुआ। अरे ऐसा सेंटर, लुक सेंटर।
ये मैम मैम को लेकर आता है रोज मैम इधर मैडम उधर मैं कार में कहां से आया दिल्ली से आया ये तुम्हारे लिए दिल्ली से रिसेंटली आया माय गॉड मेरा डांस देखा है कर रहा मैडम वो डांस करना है उसको आपके साथ डांस करना उसके साथ डांस करना आपके साथ वैक्सीन लगाया दिल्ली जा वैक्सीन लगाने से बुखार आ रही है मतलब पागल है क्या वैक्सीन लगाने से बुखार आता है कुछ नहीं आता है वैक्सीन लगाओगे बच जाओगे तुम लोगों ने वैक्सीन लगाया सबने आज लगाएगा आधार कार्ड का जरा वैक्सीन लगा मजाक मत कर वैक्सीन लगाएगा बच जाएगा मैम तेरा तेरे शरीर पे तेरा अधिकार नहीं है तेरे मम्मी डैडी का है तो अपने मम्मी डैडी के बारे में सोच मजाक में मत ले वैक्सीन लगा हमने लगाया है मेरे बहन के छोटे छोटे बच्चों ने वैक्सीन लगा लिया हेलो उसको बोल वैक्सीन लगाने अरे तेरा डोज नहीं बोल रही इसका डोज इसको डोज दूं क्या अभी मैं बोलता मार दो आपके साथ रात में डोज देते मजाक मत कर अरे बुखार मुझे भी बुखार आया था मुझे भी थोड़ा दर्द हुआ था लेकिन वो इसीलिए क्योंकि वो मेडिसिन क्या एंटी कोरोना होता है ना वो इफेक्ट करती है सुन तो तू वैक्सीन नहीं लेगा तो फिर हमारा तेरा वेट कर रहा है नहीं लेगा मैं डरा नहीं रही हूँ ले ले एक दिन बुखार आएगा दूसरे दिन तू ठीक हो जाएगा बूढ़े बूढ़े लोग नाच रहे वैक्सीन लेके बूढ़े बूढ़े लोग नाच रहे वैक्सीन ले ले वैक्सीन ले ले बोलो उसको यार तुम मीडिया वाले बोलो उसको वैक्सीन ले ले वैक्सीन ले ले वैक्सीन ले वैक्सीन ले हम मर गए क्या हम जिंदा है ना वैक्सीन ले चलो छोटू तू बोलता क्यों नहीं वैक्सीन लेने ये तो बड़ी न्यूज हो गई यार छोटू की वाह क्या होगा देश का नहीं वैक्सीन लेना चाहिए देखो सबने वैक्सीन लेना चाहिए क्योंकि आज आप लोग ऐसे डरोगे ना तो फिर हम लोग कभी कोई ट्रैवल नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे सब लोग और फैलता जाएगा वैक्सीन लो दोस्तों देखो अमेरिका लंदन सब जगह इंडिया छोड़ के बाहर के सब जगह सब लोगों ने डबल डबल डोज वैक्सीन का ले चुके हैं इसलिए अभी वो आजाद घूम रहे हैं विदाउट मास्क ओके सो गाइज यहाँ पे भी डरो मत बुखार से वैक्सीन ले लो प्लीज टेक वैक्सीन हेलो रिक्शा वाले भाई आपने वैक्सीन लिया पक्का ना देखो कितना अच्छा बंदा है वैक्सीन आप लोग लो कुछ नहीं होगा कोई बुखार उखार आता नहीं वैक्सीन लो अगर आता भी है तो एक दिन क्योंकि वो मेडिसिन बॉडी में जाती है गाइस अभी तुम लोग को बाटला देंगे तो पहले बाटला अभी पहले अंदर भटक जाओगे हंस रहा है वो पीछे खड़े पोटला पीता है पोटला ये कह रहा है घास वास के लिए तो इससे क्या फर्क पड़ता है बहुत सारे वेजिटेरियन पीते हैं बाबा वो तो लॉलीपॉप खा रहा है So guys, सब लोग को मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं गांव-गांव में लोगों प्लीज वैक्सीन ले लो और हमारे देश को सुरक्षित रखो हमारे हिंदुस्तान को सुरक्षित रखो डरो मत मरना सबको एक दिन है तो डरो मत कुछ नहीं होता वैक्सीन लेने से आपका जो बुखार और आपका जो कोरोना है वो चला जाएगा हमारे देश से तो वैक्सीन लो डरो मत थैंक यू अच्छा आपको ऐड मिल रहा है कि नहीं अभी कल ऐड यार नहीं अभी मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अच्छा जो वन यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है एक ऐड मिला है लेकिन बहुत गंदा ऐड मिला है किसका है दारू का मुझे तू भी वो मैं बोल नहीं सकती अभी बहुत जल्दी डालूंगी कल परसों बैंक में पैसा आ जाएगा तो अच्छा वो पे करेगा तब डालोगे हाँ पे करेगा तब भी डालूंगी ना फोगड़ में कौन इतना गंदा प्रोडक्ट डालेगा किस चीज का बताओ तो नहीं बोल सकता मैं समझ गया कोई बात नहीं मुझे बड़ा समझ में आता है वो मेंस के लिए है ओके ओके ठीक है ओके बट वो जल्दी आने वाला है देखो प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है कि नहीं हमने को तो ऐड करने के पैसे मिलते हैं है कि नहीं और मुझे जल्दी ऐड भी मिल गई अभी मैंने कल ही बोला था ना परसों बोला था कल बोले थे कल 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 और आज ऐड भी मिल गई वाह तुम लोग कितने फास्ट हो तुम लोग रियल सुपरमैन लकी
तो लकी मेरे लिए तो हो, लेकिन तो आप लोग कोरोना क्यों नहीं भगा सकते इस देश से? वो धीरे धीरे जाए, हम भगवान थोड़ी ना, इंसान है। तो भगवान नहीं हो, भगवान तो कोई इंसान बन नहीं सकता है। आई नो वो तो है, बट मैं प्रे कर रही हूँ कि अभी लॉकडाउन ना हो और किसी को कोरोना हो, कोरोना ना हो। सॉरी, कोरोना ना हो, सब लोग वैक्सीन ले लो दोस्तों, सब लोग वैक्सीन ले लो। और जिनके पास पैसा नहीं है वो वहाँ पे 43 बिल्डिंग है ना, राजू ताई 43 बिल्डिंग है ना, वहाँ पे वो फ्री में वैक्सीन दे रही है, हम लोग दे रहे। अच्छा, मुझे तुम लोग आ रहे हो क्या कल? ये तुम लोग आ रहे हो क्या वैक्सीन लेने? तुम लोग को फ्री में दिला रही हूँ। पांडे ने नहीं लिया, राजू ताई है ना एमएलए अपनी, शिवसेना की। तो बता तू, कल मेरा ड्राइवर जा रहा है कल वैक्सीन लेने, पांडे आएगा? हाँ आता हूँ ना पक्का, फ्री में दिलाते हैं, 800 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, हम लोग दिला देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। अरे राखी जी, जाओ जाओ जाओ, जल्दी आना।